वेलकम वंस अगेन टू माय हॉट एंड टेस्टी किचन। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक बार आया हूँ एक फ्यूजन डिश लेके, और ये फ्यूजन डिश का नाम है चिकन 555। शायद आपने नाम सुने होंगे, लेकिन अगर आपने कभी ट्राई नहीं किए होंगे तो मेरा रेसिपी को फॉलो करिए। ये मज़ेदार और चटपटा एक स्नैक्स रेसिपीज है जो चिकन से बनता है। तो चलिए आज का ये डिश बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, चिकन 555 के लिए मैंने चिकन ले लिया और चिकन को थिन स्लाइस में काट लिया। ये चिकन ब्रेस्ट है, चिकन ब्रेस्ट ही यूज़ होता है क्योंकि इसमें सॉलिड मास बनता है। तो चिकन ब्रेस्ट को मैंने थिन स्लाइस में काट लिया, आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप काट लीजिए। काटने के बाद इसको मेरीनेट करना है, तो मेरीनेट करने के लिए मैंने फ्रेश ब्लैक पेपर पाउडर ले लिया। दुकान से जो मिलता है, बाज़ार से जो मिलता है, वो उतना फ्लेवरफुल नहीं होता है, तो मैंने फ्रेश को पाउडर कर लिया था। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाला और फ्रेश लेमन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास विनीगर है तो वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश लेमन का फ्लेवर और टेस्ट थोड़ा अलग होता है। ये मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अब ये डालने के बाद इसको मिलाऊंगा, थोड़ी देर के लिए रख दूंगा मिलाने के बाद। तो थोड़ी देर के बाद मैं इसमें एक अंडा डाला, और अंडा डालने के बाद इसमें मैं अबाउट 2 चम्मच इसमें मैदा डाल रहा हूँ। अगर आपके पास मैदा नहीं है, कॉर्नफ्लोर है, तो भी कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, मैदा इजीली अवेलेबल है, तो मैदा डाल सकते हैं। मैदा डालने के बाद इसको फिर से मैं हाथ से मिलाऊंगा। अगर आपके पास चम्मच है, चम्मच से अगर मिलाएंगे तो उतना अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो हाथ से ही बेहतर है। हाथ से इसको अच्छे से मिला लीजिए और इसको 15 मिनट के लिए रख दीजिए। तो 15 मिनट बाद इसको डीप फ्राई करना है। तो डीप फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया, और तेल मीडियम हीट होते ही मैं एक एक करके इसको फ्राई कर लूँगा चिकन को, मेरीनेटेड चिकन को मीडियम हीट में ही फ्राई करना है, नहीं तो ये इसका कलर पूरा चला जाएगा और ये डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा। तो मीडियम हीट में इसको 60% तक पकाना है, 60-70% तक। पकाने के बाद तो रख दूंगा थोड़ी देर के लिए और दोबारा फ्राई करूंगा। तो जैसे मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बताया था कि दोबारा फ्राई करने से क्रंचीनेस आ जाता है, और इसका अंदर से अगर नहीं पकता है तो वो पक भी जाता है अच्छे से। तो ये थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा भी इसको फ्राई कर लेता हूँ चिकन को। अब देख सकते हैं ये डार्क ब्राउन कलर का हो चुका है। अभी मैं एक सॉस बनाऊंगा, एक ग्रेवी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें साउथ इंडियन टच है, तो साउथ इंडियन टाइप के बनाऊंगा। तो इसमें मैं तेल थोड़ा सा गर्म होते ही इसमें सौंफ डाल दिया, अब देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डालूंगा, फ्रेश कड़ी पत्ता। डालने के बाद इसमें अनियन डालूंगा, कड़ी पत्ता का और ये सौंफ का फ्लेवर आता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। अगर आपको साउथ इंडियन फूड पसंद है तो ज़रूर आपको ये स्मेल अच्छा लगेगा। तो अनियन डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए सौते कर लेता हूँ, और सौते करने के बाद मैं इसमें आप देख सकते हैं चॉप गार्लिक है, फाइनली चॉप गार्लिक इसमें डाल देता हूँ। तो चॉप गार्लिक डालने के बाद इसको फिर से थोड़ी देर के लिए सौते करना है। अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है और जल रहा है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये टेम्परेचर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूस होने के बाद आप एक मसाला डालिए। इसमें मैं धनिया पाउडर डाला, जीरा पाउडर डाला, और मिर्ची पाउडर डाला, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर। डालने के बाद फिर से थोड़ा सा पानी डालने के बाद, ताकि टेम्परेचर ठीक ठाक रहे, ये जल ना जाए मसाला, क्योंकि मसाला जल गया तो फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो ये मसाला भुनना है, और मैंने ग्रीन चिली डाला, आप देख सकते हैं बीच से काट के डाला। अगर आप चॉप डाल सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे करके मसाला भुनने के बाद मसाला का जो फ्लेवर चला जाएगा, तो रोस्ट फ्लेवर, उसके बाद मैं चिकन डाल देता हूँ। तो चिकन डालने के बाद इसको धीरे धीरे टॉस करना है। और ये ड्राई आइटम है, स्नैक्स आइटम है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो धीरे धीरे टॉस करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया, क्योंकि मैं ग्रेवी में नमक नहीं डाला था। अगर आप
ग्रेवी में नमक डालते हैं, तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, आप टेस्ट करके डालिए। तो डालने के बाद अभी मैं इसमें फ्लेवर मिलाऊंगा, हर्ब्स मिलाऊंगा। आप देख सकते हैं मैं चॉप इसमें कड़ी पत्ता डाला, ये चॉप कड़ी पत्ता है, और चॉप मिंट लीफ भी डाल दिया। और टॉस करने के बाद इसमें चॉप कोरिएंडर लीफ, ये बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टफुल एक डिश है, आप ज़रूर घर में ट्राई करिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और आप देख सकते हैं मैं स्प्रिंग अनियन डाला, जो अनियन पत्ता होता है। तो डालने के बाद बस एक या डेढ़ मिनट के लिए इसको टॉस करने के बाद रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का डिश चिकन 555 रेडी है, आप ज़रूर इसको घर में बनाइए, मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेहमान आ जाए तो आप इजीली ये डिश बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये डिश रेडी है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा आज का डिश।